ऐसे ही फख्र नहीं करते। आप अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े कारवां को लेकर के बड़ी अच्छी तरीके से आप चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप आखिर तक हमारी ऐसी रहनुमाई फरमाते रहेंगे। और हम तमाम अहले स्टेज, अहले करिया, अहले बस्ती दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे सदर मोहतरम की उम्र में, इल्म में बरकत अता फरमाए और इनका साया हमारे सर पर तादीर कायम व दायम फरमाए। इससे पहले कि मैं आप हजरात को चार मिसरे सुनाऊं, दोनों हाथ फजा में लहरा करके बोलिएगा सुभान अल्लाह, और बगैर किसी तमहीद के आप हजरात के रूबरू अपने एक मुअज्जज़ मेंबर को आपके रूबरू करूंगा। बोलिएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर के ख्याल तैयबा हमें बेकरार करता है। सुभान अल्लाह बोलिएगा, शुरू से आखिर तक तमाम लोग बोलिएगा कि ख्याल तैयबा हमें बेकरार करता है। खुदा के फजल का बंदा इंतजार करता है, और नबी का जिक्र कोई करे ना करे, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। आइए अब हम अपने अंजुमन में जो सरगोशियां चल रही हैं, ये जो भी काम अंजाम दे रही हैं, इसके तारुफ के लिए मैं दावत दे रहा हूँ हजरत कारी मोहम्मद शहजाद आलम साहब को कि आप डाइस पर तशरीफ लाएं और अपना तारुफ ये खिताब पेश फरमाएं। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يد الله على الجماعة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم स्टेज पर जलवा फरोज हजरात उलमाए कराम और आज के इस प्रोग्राम की खूबसूरत निजामत फरमा रहे जनाब हजरत मौलाना कारी अब्दुल रहमान जफर साहब, शुक्रिया। और बहुत ही गौर व फिक्र के साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा सामईन हजरात, मैं शुक्रगुजार हूँ आप हजरात का कि आप हजरात अंजुमन की मुख्तसर सी दावत पर यहाँ इकट्ठा हुए, जमा हुए और आपने हमारे हौसलों को बढ़ाया। हजरात गरामी, हमारी ये अंजुमन बज़्म ज़ीनतुल इस्लाम ये एक अंजुमन है जो तकरीबन 3 साल का अरसा जिसे अभी हुआ है, जिसका क़याम अमल में आया, उसके दरमियान लॉकडाउन गुजरा और इसका जो अपना मकसद था वो कुछ धीमा पड़ गया, लेकिन फिर हालात साजगार हुए और फिर इन उलमाए इकराम ने अपने उस बेड़े को उठाया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। ये जो उलमाए कराम हुफाज कुर्रा की एक जमात आप हजरात के सामने जलवा फरोज हैं, ये तमाम आप हजरात के बच्चे हैं, आपकी औलादे हैं और ये अंजुमन सिर्फ यही नहीं बल्कि आप जो सामने बैठे हुए हैं आप भी अंजुमन का एक हिस्सा है। इस अंजुमन को बनाने का मकसद क्या है? वक्त की किल्लत दामनगीर है, इसलिए ज्यादा गहराई में ना जाते हुए मुख्तसरन आप हजरात के सामने अर्ज कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप हजरात को ये बतला देना चाहता हूँ कि अंजुमन के ताल्लुक से कुछ लोगों के जहन खराब हैं, तो वो लोग कान खोल करके सुने और अपने जहनों को साफ रखे कि ये अंजुमन किसी अफराद से चंदा नहीं लेती। कुछ लोगों ने ये बात फैलाई है कि ये अंजुमन चंदा इकट्ठा करती है। अगर कोई शख्स ऐसा हो जिसने इस अंजुमन को चंदा दिया हो
वो खड़ा होकर के बतलाए उसकी हम भी ज्यारत करना चाहते हैं, बल्कि ये आपके बच्चे, ये आपकी औलादे जिन्होंने आपका नमक खाया, जिन्होंने आपके दिए हुए चंदे से बनी हुई रोटियों को खाया और इल्म हासिल किया, इल्म हासिल करने के बाद अभी लोग इस मैदान में उतरे और इन्होंने अपना एक छोटा सा मकसद बनाया कि चलो हम चंद लोग इकट्ठा होकर के किसी भी तरह अपनी उस कौम की खिदमत करें, हम अपनी उस कौम का कुछ ना कुछ हक अदा करें जिसने हमारे पढ़ाई के जमाने में दिन रात अपनी खेतियों के अंदर मेहनत करके अपनी फसलों को तैयार किया, फिर मदारी से इस्लामिया को चंदा दिया और हमने वहां रोटी खा खा करके इल्म को हासिल किया, तो किसी ना किसी तरीके से इस कौम की खिदमत कर ली जाए। कि तमन्ना है कि दुनिया में कोई काम कर जाऊं, तमन्ना है कि दुनिया में कोई काम कर जाऊं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। बहुत अच्छे माशाल्लाह। हजरात गरामी, मदारिस में पढ़ाना, मसाजिद में पढ़ाना या दर्स तदरीस देना सिर्फ यही खिदमत नहीं है, बल्कि इस्लाम की खिदमत बहुत तरीके से की जा सकती है। अगर आपको मदारिस के अंदर जगह नहीं मिलती ही, अगर आप मसाजिद के इमाम नहीं हैं, अगर आप मिंबर के खतीब नहीं हैं, अगर आप किसी मदरसे के मुदर्रिस नहीं हैं, अगर आप किसी मदरसे के मुबल्लिग नहीं हैं, तो ये आप मायूस ना हो कि मायूस ना हो इरादा ना बदल, मायूस ना हो इरादा ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। बेशक, सुभान अल्लाह। आप मैदान में आइए और मैदान में आकर के इस कौम की खिदमत कीजिए कि बुतों के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, बुतों के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, जहां पर कुफ्र लिखा हो वहां इस्लाम लिख देना, जहां पर कुफ्र लिखा हो वहां पर इस्लाम लिख देना। अगर वो सुलह के फूलों को पैरों से कुचल डाले तो शाखे गुल की पत्ती पे कतले आम लिख दे। वाह, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। हजरत गरामी, ये अंजुमन बनी और बनने के बाद इन्होंने किस तरीके से इन प्रोग्रामों को किया, ये जो हजरत उलमाए कराम आप हजरत के सामने बैठे हुए हैं, ये वही उलमाए कराम है कि जिनको आप महीने के अंदर किसी को अपनी मस्जिद के अइमा की शक्ल में 10 क्विंटल 12 क्विंटल या 18 क्विंटल फसल पे देते हैं, रमजान में कुछ हदिया देते हैं, मदारिस के अंदर 6,000 7,000 8,000 की तनख्वाहों पर पढ़ाने वाले उलमाए कराम, और ये अपनी उसी कमाई में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकालते हैं। इनके हिस्सा निकालने का तरीका क्या है कि वो यही कि ये अपने खराजात को मुख्तसर करते हैं। अगर एक हाफिज कुरान, एक आलिम अगर महीने के अंदर 10 जोड़े क्लब के पहन रहा है तो वो उनको मुख्तसर करता है और उस रकम को इकट्ठा करता है और फिर उस रकम के जरिए से मेरे अजीजों कौम की खिदमत करते हैं। यही नहीं, अभी तकरीबन 8 महीने पहले अंजुमन जीनतुल इस्लाम के अफराद के पास एक इत्तला पहुंची, किसके जरिए से, कि यही जो हमारे भाई तमाम मसाजिदों के अंदर अपना वक्त निकाल करके अपना जान, अपना माल, अपना वक्त लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। किसी को इत्तला मिली कि एक बस्ती के अंदर एक गरीब बच्ची है और उसकी उम्र काफी हो चुकी है, उसके घर में कोई उसका पुरसान हाल नहीं है और वो बच्ची एक गैर मुस्लिम से शादी करने के लिए जा रही है। अजीजा ने गरामी, अंजुमन के अफराद के पास ये इत्तला पहुंची, इन तमाम मिंबराने अंजुमन को इकट्ठा किया गया, मशवरा किया गया, फिर वहां तय होकर के अंजुमन के कुछ अफरादों को उसके पास भेजा गया, जाकर के उससे मालूम किया कि क्या बात है, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मेरे अजीजों, उसने अपनी कारगुजारी बतलाई, उसकी उम्र 32 साल हो चुकी थी और घर के अंदर सिर्फ उसकी एक बूढ़ी दादी थी जो कि नाबीना थी।
बड़े अफसोस की बात है, ये वही है। और इस बात से इबरत लेनी चाहिए हमारे उन बहैसियत लोगों को जिनको अल्लाह ने इस काबिल बनाया है कि वो अपने पास इतनी हैसियत रखते हैं कि वो गरीब बच्चियों के निकाह करा सके। जरूरी नहीं है कि आप बड़ी आन बान शान के साथ उनकी शादी करें, बल्कि आप हजरात उनके लिए चल फिर करके और तलाश करके आप उनके निकाह का इंतजाम सादगी के साथ कर दीजिए। उससे मालूम किया तो उसने जब अपनी आप बीती बदलाई, खुदा की कसम इन अंजुमन के अफराद ने अपनी तनख्वाहों में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाला और निकाल करके एक लड़का तलाश किया और उसकी शादी कराई, उसका निकाह कराया, उस बच्ची को मुर्तद होने से बचाया। मेरे आजीजा ने गरामी, इसी तरीके से सर्दी का मौसम आया, सर्दी के मौसम में बस्तियों के अंदर जो हकीकतन वाकई गरीब लोग हैं, कुछ गरीब नाम के होते हैं लेकिन कुछ गरीब काम के होते हैं, वो ऐसे हैं कि वो गुर्बत की जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाना गवारा नहीं करते। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बस्तियों के अंदर तलाश करें और उनकी हाजत रवाई करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लिल जारी हक्कुन, कि तुम्हारे पड़ोसी का तुम पर हक है। मेरे घर के अंदर बेहतरीन खाना बन रहा है लेकिन मेरा पड़ोसी भूखा है, लानत है मेरे उस खाने पर कि मैं मुर्ग मुसल्लम खा रहा हूं और मेरा गरीब भूखा सो रहा है। तो अजीजा ने गरामी उन लोगों को तलाश किया, ऐसे घरानों को तलाश किया और उनके लिए कुछ गर्म बिस्तरों का इंतजाम किया और उन लोगों तक पहुंचा दिया गया। जब हम एक के यहां पहुंचे तो उसने सबसे पहले एक ही सवाल किया कि मौलाना आप हमारे पास लेकर के इमदाद आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन यह बतलाइए क्या आप सिर्फ ये इसलिए तो नहीं कर रहे हो कि आप यहां हमें एक कंबल देकर के हमारा फोटो खींच करके हमें पूरी दुनिया में जलील करते फिरे और हमारे नाम से आप पैसा मांगते फिरे। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसी तरीके से ये अंजुमन रोज बरोज तरक्की की तरफ गामजन है और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसलिए कि आहिस्ता आहिस्ता गांव दर गांव हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं और माशाअल्लाह लोगों का खूब मोहब्बत से ताउन मिल रहा है। मोहब्बत का ताउन, पैसे का ताउन मत समझिए। हम तो ये कहते हैं कि अगर किसी को मदद करनी है तो आइए हमारे पास और हम उसको उसका एड्रेस बतलाएंगे और वो जाकर के खुद अपने हाथ से उसकी मदद करके आइए। हमें आपके रुपये और पैसे की जरूरत नहीं है, जरूरत है सिर्फ आपकी मोहब्बतों की। और के ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा। ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा। मैं जिसके लिए शहर की गलियों से लड़ा हूँ, रुस्वा वही मुझको सरे बाजार करेगा।